यहाँ पर नतीजा गोल किसी तरफ से, यहाँ पर मौका बनता हुआ सुंदर सुंदर सुंदर, यहाँ पर सुंदर पासिंग ऑप्शन तलाश रहे हैं। सुंदर का शॉट डिफ्लेक्ट होके मिला है उसी टीम को ही, संजय को, लेकिन संजय क्या पोजीशन ज्यादा देर तक रख पाएंगे। लेकिन आज गति और स्किल जो कर रहे हैं, अभी तक गोल मिला नहीं है जोहार एफसी को, जिस तरह से उनके टीम के खिलाड़ी इतना बेहतर स्किल कर रहे हैं, लेकिन फिनिशिंग क्षेत्र से उस तरह का शॉट बॉल बाहर नहीं आएगा। थोड़ा सा भी बॉल को छू रही है सीमा रेखा यानी साइड लाइन को। सुंदर अच्छा स्किल करते हैं और चाहिए सुंदर जैसे खिलाड़ी को ही, आदिम गांवता को इसी के जैसे खिलाड़ी चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उनका विंग दरवाजा पास निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा और अंदर खेला उन्होंने, इसलिए पोजीशन गवा बैठा है जोहार एफसी का। इस टीम के तरफ से उस तरह का स्ट्राइकर नहीं है, गोल करने वाले स्ट्राइकर अगर होते अभी तक तो अच्छे अच्छे शॉट लगा सके, तक बिल्कुल सामान्य शॉट लगाया है जोहार एफसी की तरफ से। सुंदर सुंदर अच्छा पास इस बार निकाला है सुंदर ने वहां पर विजय हेमरम के लिए। सुंदर फिर से उसको रिटर्न पास दिया है विजय ने, बहुत ज्यादा देर तक बॉल को होल्ड कर रहे हैं और गोलकीपर के लिए पीछे क्यों खेल रहे हैं, यह होना चाहिए पोजीशन, अगर ज्यादा देर तक रखते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। लेकिन ये चीज पासिंग एक्यूरेसी यहां पर इतना सटीक नहीं रहा है, इस वजह से बार बार पोजीशन खराब हुआ है। अधिम गौता का जोहार एफसी, इस टीम के खिलाड़ी तो खेलने का तो लाजवाब खेले हैं लेकिन गोल नहीं मारे हैं, यह अलग की बात है, लेकिन खेल में लाजवाब रहा है इस टीम का, हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं उनके प्लेयर। और इस बार बाएं फ्लैंक से क्या क्रॉस आएगा, मौका बन सकता है लेकिन गोलकीपर की देर के बाद। इस बार सीबू के लिए एक को पीट करके आगे निकले हैं, सीबू का क्रॉस, यहां पर मौका बन सकता है गोल करने के लिए, अच्छा मौका बना था यहां पर रोजर मार्टी के पास, जिस तरह से यहां पर जो पलटवार इतना अच्छा आदिम गौता टीम को मिला था, ये मौका बार बार ना आए और बहुत बड़ा चांस गवा दिया है रोजोई ने, अच्छा मौका था यहाँ पर रोजोई के पास, राजोई इतना अच्छा मौका मिला इनको गोल करने का, फिर से बनाना होगा। सुंदर ये सबसे छाए हुए अच्छे खेलते हैं और इसका पहचान है, जैसे यहाँ पर लक्ष्य में पहुंच गए थे सीबू, देखना होगा यहाँ पर, अब काफी ज्यादा सुधार आया है आदिम गौतम की खिलाड़ी के बीच में, गाड़ी में सुंदर को यहाँ पर गलत तरीके से गिराया गया है और ऐसे में फाउल को जीत लिया है सुंदर ने, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार वहां पर विकास मुर्मू। और एक बार ऐसे समय में आप सभी ऑडियंस को बता दें, अगर दिन में आपने बहुत सारा मैच को मिस किया है और देख कलेक्शन, सूर्य अपना लाल रंग धीरे धीरे यहां पर बिखर रहा है, इस लाल रंग से प्रतीक हो रहा है कि ज्यादा समय नहीं है अब आज के दिन में, और पहले हाफ में बहुत ज्यादा समय हो गया है, यानी ज्यादा समय नहीं है इस हाफ में, 19 मिनट और 25 सेकंड का ये मैच खेल हो चुका है। इस बार विशाल बास्की के पास मौका है गोल मारने का, कीपर को जितना ज्यादा तारीफ कीजिए उतना ही कम, लाजवाब कीपिंग के लिए जाने का, इस चीज को हम जानते हैं कि कीपर अगर अपने जगह से आगे आते हैं तो वो अनुभवी कीपर है और बॉल मिलना उससे लगभग ज्यादा संभावना बनता है। राजीव सोरेन वही कि आपने पोजिशन से बाहर आए और वहां पर इस शॉट को आराम से वहां पर कलेक्ट किया, अटैकिंग जो है यहां पर इसी के साथ यहां पर फर्स्ट हाफ की समाप्ति बंधुदास की बज गई है, विकल्प अभी भी बना हुआ है दोनों टीम्स के लिए, अगले राउंड में आराम से गोल मार करके भी जीत सकते हैं या फिर इस मुकाबले को वो गोल रहित भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अच्छा खासा कोशिश रहा जोहार एफसी का भी और दो दो मूव जो बना था गोल करने का, अधिम गौता के पास ज्यादा अच्छा मौका था, जोहार एफसी से भी जो नजदीक अवसर बना था अधिम माइक्रोफोन पर मैं नेता देना चाहूंगा आरती ही जहाँ आरती में पूछा इन फेमिन मुझे खिलौड़ बोन जल था हेलो का या या नियल बोन राजा हम पास का नूरा पास का मंगा था क्या जोहार एफसी किन मुद्दे को जहाँ तक किन जीतो रखा हुआ सेमीफाइनल रहे तीन की क्वालिफाई हुआ हर कोटा टीम की क्वालिफाई आ 10 नंबर रहे सुकुमार मुर्मू अरे जोशीला अंदाज रहे नित्य भी जो हर एफसी टीम खेलेगा ठीक है ना प्लेयर की बॉल एक नंबर रिसीविंग अरे पांच पास मसंग हंसा लगी मसंग हंसा
गोल एरिया के करीब और गोल गोलकीपर राजीव सर है अड़ी सराहना अड़ी शानदार निदबे गोल कीपिंग का नील जर्सी रे आदिम गौता टीम अड़ी मौज जमी की पास पनाटी मड़ी कंट्रोल के साथ की मैपिंग करना कोई रफ टंपा और फर्स्ट कैमरा पास मौका हुई बना सके मैन खान गोलकीपर फुर्ती ने गोलकीपर जब ग्राउंड है फुर्ती दिखा तू लोग अबड़तोड़ आक्रमण बना टीम से कोई जारी किया फिलहाल जर्सी नंबर 9 हराव का प्लेयर विजय मरंडी जमीनी पास अड़ी बॉय लेफ्ट इन रन खिलाड़ी लगी बोले लहाव का मैन खान पूरा थी और गोल की जमीनी पास जर्सी नंबर 6 लगी सुकंता बेसरा सुकंता वा अच्छा पास अड़ी बॉय जर्सी नंबर 10 सुकुमार मुर्मू मैन खान भीड़ भरा करे पास और सुंदर तीर बॉल तकी जा जिला दड़ी घुकना सुबह जर्सी नंबर 3 और अच्छा योगदान दिया है जर्सी नंबर 3 में इसके इंजमाम और अजय महतो दोनों ही डिफेंडर गजब का फुर्ती दिखा करके अपने टीम को अच्छा डिफेंस स्वयं अच्छा ड्यूटी निभाया है इस बार शॉट को ब्लॉक कर लिया गया बॉल का डायरेक्शन फिलहाल आगे की ओर बॉल छिटकी है और फिलहाल जोहार एफसी बहुत ही सुंदर किनारे से बॉल को लेकर के क्या बॉल को इन कर पाते हैं लेकिन जी नहीं अंतिम सभी दूसरे हाफ में येलो पुनवा कॉर्नर किक रहे गोल रहे कन्वर्ट दरिया के नाम जुबान अड़ी मौज मौका हुई दरिया के नाम गोल के करीब नीत हो खतरा बन डाला होगा शॉट लगातार नोड़े अधिक गांव का टीम चितान रहे नीत दबाव को बना होगा बना टीम स्कोरर प्रयास लागू करेगी हानिया बीच रहे इसके इंजमाम लगे हुए हैं हालांकि वहां पर रेफरी ने नकारा है उस बॉल को एडिशनल असिस्टेंट रेफरी भी वहां ऐसा अच्छा पास मिडिल में वन टच पास वहां बढ़ाना चाहते थे लेकिन अभी भी बॉल के लिए दो खिलाड़ी जुटते हुए बॉल पर हावी हो गया है विशाल राज की लेकिन किसी खिलाड़ी को मौका मिल गया था बैक पास बहुत ही सुंदर खूबसूरत पास प्रकाश नास्ता हालांकि वहां पर थोड़ा सा गलती किया थे नेग्रो मुर्मू अभी भी प्ले में ही रखा है 9 नंबर जर्सी विजय मरंडी विजय बहुत ही खूबसूरत पास मिडिल में जर्सी नंबर 5 पहने हुए विजय हमरम के लिए विजय हमरम बैक पास के लिए अपने फुल बैक के लिए जो कि आकाश मुर्मू के रूप में फुल बैक में खेलते हुए फिर से विजय मरंडी अच्छा पास सिबू एक चांस बनेगा क्या अच्छा स्कोरर को सेकंड हाफ में निर्भर बिना अगर खिलौटा जहां का टीम मैदान निकला होना की लहा दिया थोड़ा गर्मी अड़ी सुख अड़ी करीब थे नुमा मैच रिया इंतजार रे बिना कुआ नुमा मैच रिया डीजल ची हुई मैम थे हर गोल कीपर अचिंता मुर्मू अड़ी मोई पास मैं कहा नुई खिलाड़ी अड़ी सुपर है गाते ही के नाम थोड़ा गर्मी इस पास हुआ हालांकि भी जब मौका हुई बड़ा विशाल बासी लेकिन बॉल निग्रो मुर्मू ने खूबसूरत तरीके से बॉल को छीन लिया क्या दोनों टीम एक दूसरे को मेन मार्किंग बहुत टाइट रखते हैं दोनों टीम के थोड़ा सा गलती कर दी है नवा टीम लगी है अमदारी ये बीच रहे विशाल बास की अड़ी मच पास ग्राउंडेड पास विशाल बास की गोल दस अड़ी बेहतरीन स्प्रिंटिंग और अच्छा मौका बना दरिया के ना शॉट लगी सेकेंड बॉल बना दिया चक्कर रे बनाया हालांकि जर्सी नंबर 3 फिर से डिफेंसिव शॉट और नोड़े जो हर एफ टीम गोल ही बना सके आरसी गोल हुआ थोड़ा गान लगी क्या यहां पर गोल लागेंगे शॉट को फिर से ब्लॉक किया है निग्रो मुर्मू कॉर्नर होने से बचा लिया है निग्रो मुर्मू को मैं थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो निश्चित रूप से महंगा पड़ेगा सेमीफाइनल में जाने का सवाल है दोनों टीम बहुत टाइट मैन मार्किंग रखते हुए अच्छा पास इस बार फिर से क्या इस बार बॉल को छू पाते हैं या नहीं जोहार एफसी के प्लेयर लगे हुए थे बॉल के पीछे अच्छा थ्रोइंग पास फिलहाल 17 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी मसान हसा शॉट लेना चाहते थे जर्सी नंबर 6 पहने हुए प्लेयर स्किल दिखाते हुए
डायरेक्टली लेकिन फिर से पोस्ट से बाहर मैदान में प्रवेश करेंगे जब से नंबर चार पहने हुए खिलाड़ी जो हर एफसी टीम की ओर से डिफेंस लाइन से खूबसूरत पास जब से नंबर 11 संजय टुडू सत्रह नंबर जैसे पहने हुए खिलाड़ी सिबू अच्छा स्किल दिखाया है इस खिलाड़ी ने बहुत ही सुंदर बैकिंग करना चाहा लेकिन पीछे में कोई खिलाड़ी नहीं थे और जिस वजह से काउंटर अटैक करने के लिए मौका बनता हुआ इसे ये संजय टुडू दोनों टीम के खिलाड़ी क्या खूबसूरत प्लेसमेंट इस खेल में दिखाया है गोलकीपर आगे बढ़कर अचिंतो मुर्मू बॉल को कलेक्ट करने के बाद तुरंत ही बॉल को बढ़ा दिया जब से नंबर 6 के लिए सिकंदर बेसरा बहुत ही सुंदर गैप में मौका होगा इस बार बॉल ट्रांजेक्शन अच्छा है क्या गोल करेंगे ऑफ साइड का फ्लैग उठता हुआ असिस्टेंट रेफरी बबलू हेल्ता हुआ समय रहे गोल हुआ से बंद हुआ थोड़ा गन के समय नुआ मैच रहे सारे के ना और नियत ला रहे फॉल रिया मौका को जाम किया और शायद यहाँ खिलाड़ी नाखुश हैं जिस तरह से जिस दूरी पर खिलाड़ी को रहने की जरूरत है उससे थोड़ा आगे थे और इस वजह से वहां अपील कर रहे थे और प्रकाश फिलहाल शॉट के लिए बहुत ही सुंदर गोल एरिया में क्या यहां खतरा होगा क्या गोल करेंगे इस बार बहुत ही सुंदर एक बार फिर से अच्छा खतरा आक्रमण बनाया था आदिम गांव का की टीम लेकिन तेजी से खेलना पड़ेगा दोनों टीम के खिलाड़ियों को क्योंकि अब इस मैच में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है कोई यहाँ लेकिन फिलहाल यहाँ पर जब से नंबर 10 बने हुए सुकुमार मुर्मू बहुत ही अच्छा टैलेंट है जब से नंबर 6 नाटेकर के खिलाड़ी बॉल के पीछे भाग जरूर रहे हैं लेकिन इसके इंजमाम ने बहुत खूबसूरती से अपने हाफ से बॉल को निकाल दिया है जब से नंबर 17 मसांग हासा ये भी हाफ के पोजीशन से और मिडफील्डर के भूमिका में अच्छा रोल निभाया है लेकिन यहाँ खिलाड़ी कम नहीं है 12 नंबर जर्सी पहने हुए जो दूसरे हाफ में मैदान में आ गए हैं संतोष बास्की का शॉट लेकिन गोलकीपर अचिंता मुर्मू को ज्यादा कुछ प्रभावित नहीं कर पाए गोल आया फिर और गोलकीपर के लिए फिर से प्रैक्टिस शॉट की तरह गोलकीपर को वहां आजमाया गया फिर से ये खिलाड़ी मसांग हासा शॉट लेकिन यहां भी गोलकीपर राजीव सोरेन क्या कमाल का यहां पर जोखिम लेते हुए अच्छा कदम वहां थोड़ा सा अब खिलाड़ी चोटिल हो गए थे और दो मिनट का एडेड टाइम ओनली 2 मिनट लेफ्ट इंजरी टाइम में और 2 मिनट में देखना है दोनों टीम के खिलाड़ियों का किस्सा क्या बदलती है क्या कहानी इसमें बदलेगा 2 मिनट रियाल समय नुआ मैच रे जुड़ा होकर को क्या गोल में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं डायरेक्ट हिट गोलकीपर की दिशा में लेकिन गोलकीपर राजीव सोरेन वास्तव में गोलकीपर ने बहुत सुंदर बहुत ही खूबसूरत गोलकीपिंग किया है आज आदिम गांव का टीम के अंदर यहां पर दोनों टीम कोई कैजुअल नहीं करना चाहेंगे अंतिम समय में बहुत महंगा पड़ सकता है दोनों टीम ये जानते हैं लेकिन जान लगाने के प्रयास में क्या यहां पर शॉट थोड़ा सा बाहर इंजरी टाइम में भी आदिम गांव की टीम गोल मार सकते थे और जितने भी कमिटी के मेंबर्स हैं ध्यान दें बॉल जितना है हम लोग का वो सब आप लोग समेट कर रखें और इसी के साथ इस मैच का ये फुल टाइम सिटी और इस तरह से दोनों टीम
0-0 की तरफ से। और गोलकीपर होंगे राजीव सोरेन, आदिम गांवता के गोलकीपर। पहला शॉट रोकने के लिए और पहला शॉट लेंगे जोहार एफसी टीम की तरफ से। प्लेयर आए हैं शॉट के लिए और देखना है पहले नंबर के प्लेयर किस तरीके का शॉट लगाते हैं। और ठीक शॉट जोहार एफसी टीम से गोल की तरफ। चिंता मुर्मू नहीं तो आदिम दौसा टीम से पहल प्लेयर हरियाणा वाला गोलकीपर दचने राजू जिले प्लेयर रजू मरंडी पहल शॉट लगे है जरा और बहुत ही सुंदर टॉप कॉर्नर में ये गोल, ये परफेक्ट पेनाल्टी टैकर जिसे हम लोग मान सकते हैं राजू मरंडी। और ये गोल जोहार एफसी दो बेल से दो गोल कर चुके हैं। दूसरा गोल कमाल का यहाँ पर गोलकीपर अचिंतो मुर्मू डाइव मार करके बॉल को रोक लिया और इस तरह से आदिम दौसा एक से टीम का नंबर रहे प्लेयर है जो करा शॉट लगी लेकिन गोलकीपर दोनों कमाल के हैं। राजीव सोरेन भी कम नहीं है, ये भी पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। और ये शॉट मिस हो गया। तीसरा शॉट शॉट लगाने वाला और गोलकीपर भी कम नहीं है देखिए। और गजब का यहां गोल, दोनों टीम फिर से आ गया है, जरूरी भी है। अब चौथे शॉट के लिए आए हैं जोहार एफसी के प्लेयर और गोलकीपर राजीव सोरेन इस बार। मेरे को बढ़ा था पूरा शॉट लगी और नेलपोन अमित महतो शॉट लगी और ये गोल अड़ी शानदार सेकंड हाफ रे बोलो कहते मैच रे अड़ी शानदार योगदान है हम लेना।
रफी भाई कटे हमका थिले यो हम चला में टाइम वेस्ट चल रही है कचका तक मेरा फर्स्ट वाला में जा दिखा ना ये ना कमा ये और ये गुण अभी भी दोनों टीम बराबरी पर हैं, चार चार खिलाड़ी दोनों ओर से शॉट, और अब पांचवें नंबर के प्लेयर शॉट के लाएंगे जोहार एफसी टीम की ओर से पांचवें नंबर के प्लेयर। दोनों टीम पूरे जिम्मेदारी के साथ इसमें कि जो गरिमा है मोस्ट विन मैच को वो समझते हैं, और शॉट के लिए स्वयं गोलकीपर अचिंता मुर्मू यानी गोलकीपर बनाम गोलकीपर के बीच सीधा भिड़ंत देखेंगे। एक तरफ के गोलकीपर शॉट लगाएंगे, एक तरफ के गोलकीपर बचाने के लिए रहेंगे। और ये गोल जोहार एफसी की टीम टोटल पांच खिलाड़ी की तरफ से पांचवें शॉट के लाते हुए वाह कमाल का कलाबाजी है। दोनों टीम खिलाड़ियों में जो एक्शन और गोलकीपर विशेषकर जिस तरह से एक्शन में नजर आते हुए पूरे दर्शक को पूरी तरह से इस समय जो एंटरटेनमेंट दे रहे हैं मजा आ गया। और बहुत ज्यादा समय को डिले करने के लिए गोलकीपर को यहाँ येलो कार्ड दिखाया है अचिंतो मुर्मू को। डिस्टर्ब इतना माइंड जहाँ सचाव को चला तो थोड़ा इतना और ये गोल आप देखिए 100 से ज्यादा यहाँ पर गोलकीपर दोनों का मजेदार है, क्या लाजवाब एक्शन है। अंडे ये मास्टर